नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण कोरोना को लेकर के बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। स्कूल कॉलेजों को एक और हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है, यानी कि बिहार भर में स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान एक और हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, जबकि इसके साथ साथ बिहार के कुल कई तरह की जो पाबंदियां वो लगाई गई, जिसमें सबसे बड़ी पाबंदी ये है कि तमाम धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ तमाम दुकानें, जितनी भी तरह की दुकानें हैं, प्रतिष्ठान हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो शाम के 7 बजे तक ही चलाने के निर्देश, यानी खोलने के निर्देश दिए गए। इसका मतलब है कि किराने से लेकर के दूध और सब्जी से लेकर के तमाम तरह की जो दुकानें हैं वो सिर्फ शाम के 7 बजे तक ही खुलेंगी। यानी कि आप ये मान के चलिए कि पटना और पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू तरीके से जो है इम्पोज किया गया है सरकार की तरफ से। सख्तियां होंगी, दुकान जो चलाने वाले होंगे मॉल से लेकर तमाम जगहों पर, उन जगहों पर जो है मास्क कंपलसरी कर दिया गया है। सिनेमा घरों में सिर्फ 50% लोग ही जो है वहां पर जा पाएंगे, जबकि जितने भी होटल और रेस्टोरेंट्स हैं उन जगहों पर 25% लोगों के ही क्षमता के अनुरूप में जो है लोगों के आवाजाही के लिए की अनुमति होगी। सरकारी दफ्तरों में 35% कर्मचारी ही बसा पाएंगे, जबकि वही जो प्राइवेट जो दफ्तर हैं वहां पर भी यही चीज़ें लागू होंगी। और सब कुछ 30 अप्रैल तक के लिए किया गया है। पार्क में जाने आने के लिए तमाम तरह के जो गाइडलाइन हैं उसका ख्याल रखने की बात कही गई, जबकि शादी ब्याह की अगर बात कर लें तो वहां पर जो श्राद्ध है यानी कि जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है उसमें 50 लोग, शादी और ब्याह में 250 की सीमा घटा करके 200 कर दी गई है। ये बड़ी खबर है, जबकि जो परिवहन से जुड़े हुए जितनी भी सेवाएं हैं, जहां मसलन बस ऑटो इस तरह की चीज़ें, उसमें सिर्फ 50% ही जो है लोग ट्रैवल करेंगे। तो बड़ी खबर बिहार से, जहां पर स्कूल कॉलेज को आपको बता दें कि पहले 11 अप्रैल तक के लिए बंद किया गया था, उसको बढ़ा करके स्कूल कॉलेज और कोचिंग को 18 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि आने वाले जो वैक्सीन उत्सव जो मनाने की बात हुई है, जिसमें तमाम लोगों को कोरोना वैक्सीन देने की बात है, उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है 4 लाख जो डोज है उसको देने का लक्ष्य होगा 11 से 14 के बीच में। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम पार्टियों की मीटिंग बुलाने की जो बात कही थी, उस पर भी राज्यपाल महोदय से बात हो गई है, उस पर जल्द आने वाले एक हफ्ते के अंदर में एक तारीख निश्चित करके तमाम दलों के नेताओं को बुला करके इस पर पूरी बातचीत होगी। तो बड़ी खबर बिहार से, जहां पर स्कूल कॉलेज कोचिंग को बंद कर दिया गया है जो है वो 28 अप्रैल तक के लिए, ये बड़ी खबर। जबकि 30 अप्रैल तक के राज्य के लिए कई दूसरी तरह की जो पाबंदियां हैं वो इम्पोज की गई हैं। दुकानें सिर्फ और सिर्फ 7 बजे शाम तक के लिए ही खुलेंगी। तो फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।